हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो चुकी है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में जहीर के साथ बहुत ज्यादा खुश है, पर अभी भी यही चर्चा हो रही है कि सोनाक्षी की शादी में मम्मी पापा आए, भाभी आई, लेकिन भाई कहीं नजर नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लव सिन्हा की, जो कि सोनाक्षी की शादी से नदारद नजर आए। पर गाइस, जब सोनाक्षी के भाई से वजह पूछी गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो इशारों में कुछ ऐसी बातें कही जिससे ये साफ हो रहा था कि उन्हें जहीर और उनका परिवार, खासकर के जहीर के जो पापा हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम है और इस वजह से वो इस शादी का हिस्सा नहीं बने। पर गाइस, अब पहली बार सोनाक्षी के पापा यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी है और एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। आखिर क्या कहा है मिस्टर खामोश ने, चलिए आपको बताने का वक्त आ गया है। अगर आप है मेरे चैनल गॉसिप टाउन पर नए तो बिना देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर 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 कर लीजिएगा। दरअसल मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमारे परिवार के खिलाफ साजिश की गई है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं, लेकिन कोई तो साजिश ज़रूर हमारे खिलाफ चल रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं हमने अपने परिवार में अनबन को लेकर। उन्होंने कहा चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, हम एक परिवार है और हर परिवार में मतभेद होते हैं और ख़ास करके जिस घर में शादी होती है वहाँ पर तो ये आम बात होती है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि हमें इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी शादी इंटरफेथ हुई हो। हमारे परिवार को बदनाम करने की घटिया साजिश की गई है, लेकिन साजिश करने वालों को कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा ने वार्निंग देते हुए कहा कि वो अपने परिवार के खिलाफ अटैक अब और नहीं सहेंगे। बेटे लव सिन्हा और सोनाक्षी के बीच का जो रिश्ता है और भाई बहन की शादी में शामिल नहीं हुआ, इस पर भी अब उन्होंने खुलकर बात की है और उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कहा, कौन से परिवार में मतभेद नहीं होता है, हर परिवार में ये चीज़ बहुत आम है। हम कुछ चीज़ों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन अंत में हम एक परिवार है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। ये एक हैरान कर देने वाला जो बयान है, चौंका देने वाला जो बयान है, ये पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी और बेटे के बीच मतभेद जो चल रहा है उसे लेकर देकर सबके मुंह पर ताला लगा दिया है। वैसे आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इन ट्वीट्स को अब अपने ट्विटर से डिलीट कर दिया है। बहरहाल, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।